इस मार्केट में ना आप लोगों को लैपटॉप और पीसी ऐसे स्पीकर आउजा के ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब ये रिमोट का जो लफड़ा है ना बहुत डेंजर है, क्योंकि लेके जाऊँगा तो चला तो ठीक है, नहीं चला तो ये वेस्टेज जाने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ये भी चलेगा वही कंपनी का ना, लेकिन हर टाइप की बैटरी मिलती है आपके पास, मोबाइल की भी मिलती है? नहीं, मोबाइल की तो बंद हो गई। बंद हो गई, पहले मिलती थी मोबाइल की, जब से इनविल्ड आ गई ना। हाँ, तब से बंद हो गई। ओके, सो हर टाइप की बैटरी मिलती है बाकी बस। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से रहोगे। सो आज के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने टाइटल हमने लिख के समझ करेंगे कि कहाँ पर जाने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे लेने का है एसी का रिमोट जो अपने महाड़ में नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे लैमिंडन रोड में मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप है वहाँ पर रिमोट अक्सर ज़्यादा मिलते हैं, हर एक कंपनी के, हर एक ब्रांड के ना यहाँ पे रिमोट वगैरह मिलते हैं। एसी रिमोट, टीवी का रिमोट, जो भी ऐसी चीज़ें ना यहाँ पे लैमिंडन रोड पर मिलते हैं। तो अभी जाता हूँ आगे, बस स्टॉप है, गेटवे से निकला हूँ। 108 नंबर बस जाती है गेटवे के आगे, मतलब म्यूजियम के यहाँ से, और 122 नंबर, ये दो बस जाते हैं लैमिंडन रोड के लिए। तो देखते हैं अभी कौन सी बस मिलती है। तो चलो आज की इस जर्नी में जुड़े रहो, देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये रीगल सिनेमा है, और इसके बिल्कुल अपोजिट मेरे को जाने का, यहाँ से मुझे आगे जाने का है म्यूजियम, वहाँ पर है राइट में, और लेफ्ट साइड में बस स्टैंड है, तो वहाँ पर जाके बस पकड़ने की है। रीगल सिनेमा से है ना चलते चलते आया यहाँ पर सीधा स्ट्रेट, और यहाँ पे सामने है ना ये म्यूजियम है। एक दिन जाऊँगा म्यूजियम में और यहाँ का वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। एक्चुअली मैं भी छोटा था ना उस वक्त गया था, उसके बाद गया नहीं, तो क्या क्या अंदर है वो भी मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो एक दिन ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर और वहाँ का वीडियो बनाऊँगा। तो इसके बिल्कुल सामने है ना ये बस स्टॉप है, यहाँ पे 122 नंबर बस जाता है। अभी मैंने कंडक्टर को पूछा तो उन्होंने बोले सिर्फ 122 नंबर बस जाता है, 108 नहीं जाता है। सो अभी इंतज़ार करता हूँ 122 नंबर बस का, और यहाँ से जाऊँगा मैं लैमिंडन रोड के लिए। सो तो फाइनली बस मिली और बस में बैठा हूँ। यहाँ से म्यूजियम से लैमिंडन रोड का 200 रुपये टिकट है, और अभी जस्ट निकला हूँ, देखता हूँ कितने टाइम के अंदर पहुँचता हूँ। तो ये कंपनी का एसी है हमारे घर पे, और इसका रिमोट है ना ख़राब हुआ, क्योंकि सैलाब जब आया था तब ये रिमोट है ना वहीं पे था, मतलब डूब गया था, ख़राब हुआ था। तब ये कंपनी का रिमोट लेने गए, इसलिए मैं जा रहा हूँ लैमिंडन रोड, देखता हूँ ये रिमोट वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। ये चर्चगेट स्टेशन है, बिल्कुल नज़दीक ही है गेटवे ऑफ इंडिया से। चर्च गेट से भी ना ये बस जाती है, 112 नंबर बस है, चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जाती है। तो फाइनली पहुंचा हूँ मैं अभी लैमिंडन रोड, यहाँ पे बहुत सारे शॉप है, बताऊँगा कौन सी शॉप पे जाता हूँ, क्या है, कहाँ पर मिलता है आपको। और एक चीज़ है, ये बैटरी है टॉर्च की, तो ये भी लेने का मेरे को। तो यहाँ पर कहाँ पर बैटरी वाला है पूछता हूँ किसी को कहाँ पर। ये गली में अंदर आने के बाद है ना ये सामने बैटरी वाला है, तो यहाँ पे जाके पूछता हूँ ये वाली बैटरी है क्या। ये टॉर्च का मिलेगा ना, कितने का है? 500। वारंटी वगैरह चेक करके आएगा ना भैया? सिर्फ चेक करके आएगा, वारंटी नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो लेके आओ। तो जिस शॉप में गया था उस शॉप में ना दो मतलब सेल थे, एक जो अपना जितना लंबा सेल है उतना नहीं था, दो हिस्से में सेल दे रहे थे, लेकिन मेरे को वैसा नहीं चाहिए, अपने को चाहिए वो एक ही पीस में चाहिए, वो दो पीस में छः दे रहे थे, वो तो वैसा नहीं मांगता है। अब देखो यहाँ पर भी एक बैटरी वाला है, यहाँ पर पूछता हूँ अगर रहेगा तो, एक ही पीस में अगर मिलेगा ना तो लूँगा मैं। अब आगे की दुकान में ना मुझे लगता है अपने को रिमोट मिलेगा, देखता हूँ यहाँ पर भी एक ही बैटरी वाला, हाँ यहाँ पर भी है, चलो इनके पास देखते। ये ज्वाइन किया हुआ है ना, ये इसमें कितना ज्वाइंट है, ज्वाइंट है ना, देखो 2.4 बनेगा, तो बनेगा ही नहीं ना, दो बैटरी है ये।
ये भी दो बैटरी है, ये भी चलेगा, नेपोलियन लिखा हुआ है, वही कंपनी का ना, नेपोलियन। लेकिन ऐसा सेम नहीं मिलेगा, ऐसा सेम तो किधर भी नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा ही नहीं, तो क्यों का सवाल ही इसको नहीं। ये आया ना स्क्रीन आया है, इसको स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन वाला भी है, नेपोलियन वही कंपनी का, वही एसी को चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। दो रिमोट है, क्या करूँ, ये छोड़ो, ये लेते जाओ, ये इसमें क्या है, ये लोगा तो चलेगा कि नहीं, चलेगा चलेगा ना। ये कितने का, ये कितने का, 200 रुपये कोई सा भी, कोई भी लो 200 रुपये का। ओके, एक ही कंपनी का, ये भी कंपनी, काम करो दोनों लेके जाओ, ये भी कंपनी से, दोनों लेके जाओ, जो चल गया रख लेना, एक का पैसा वापस कर दूंगा मैं, चलेगा। लेकिन हाँ। मैं रमजान के बाद आऊंगा, फिर ईद के बाद, ठीक है, गाँव में लेके जाऊंगा ना, एक दो दिन के लिए, नहीं एक दो दिन बस, यही लेके जाओ। अब इनके पास है ना, ये कंपनी का जो था उसको डिस्प्ले था, और दूसरा था वो ये कंपनी का नहीं था, दूसरे कंपनी का था। और यहाँ पर है शॉप, देखता हूँ यहाँ पर मिलता है क्या। अब ये शॉप में जाता हूँ, देखते हैं मिलता है। ये कंपनी का रिमोट चाहिए, नेपोलियन। अभी जिस भाई के पास गया था ना, उन्होंने अच्छी राय दी कि ये रिमोट यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे। ये रिमोट मिलेगा, ये कंपनी का, ये रिमोट मिलेगा, नहीं कहाँ मिलेगा, आइडिया नहीं, ठीक है। और आगे, और आगे है शायद, और एक है शॉप, उधर भी जाके देखता हूँ, हार नहीं मानने की, ढूंढते रहने का। अब ये दुकान में ट्राई करता हूँ, यहाँ पर है क्या, ये रिमोट मिलेगा कंपनी का, नहीं मिलेगा। अब ये दोनों चीज़ें ना मुझे नहीं मिल रही है, तो जहाँ पे पीछे देखा था वहाँ पर फिर से एक बार रिमोट देखता हूँ, और जो बैटरी है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे गया था बैटरी देखने के लिए, उस शॉप से जाके बैटरी लेके आता हूँ। इस मार्केट में ना आप लोगों को लैपटॉप और पीसी, ऐसे स्पीकर, आउजा के ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब ये रिमोट का जो लफड़ा है ना, बहुत डेंजर है, क्योंकि लेके जाओगा तो चला तो ठीक है, नहीं चला तो ये वेस्टेज जाने वाला है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यहाँ पर आप लोगों को न्यू लैपटॉप, लैपटॉप के काम अगर मतलब रिपेयर करने का वो भी मिलेगा, मदरबोर्ड वगैरह ऐसे सारी चीज़ें, ऑफिस टीवी रिपेयरिंग भी होती है, कीबोर्ड का काम होता है, हर एक चीज़ का काम यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप बोलो, टीवी बोलो, जो भी रहेगा ना तो यहाँ पर काम होता है। सो चलो फिर से जाता हूँ ये बैटरी लेने के शॉप में, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी, किधर गया, हाँ तो ये शॉप में जाता हूँ फिर से, दे दो बैटरी, दो पीस। हर टाइप की बैटरी मिलती है आपके पास, मोबाइल की भी मिलती है? नहीं, मोबाइल की तो बंद हो गई ना, बंद हो गई, पहले मिलती थी मोबाइल की, जब से इनवर्ट आ गई ना, हाँ तब से बंद हो गई। ओके, सो हर टाइप की बैटरी मिलती है भाई के पास। ये कितने पावर की है, ये है ना 4800, 5000, और ये 5000, ये भी 5000 है। ओके, तो ये दो बैटरी लेता हूँ, मतलब दो बैटरी के लेवल में एक बैटरी आएगी, लेकिन इसका हाइट ज़्यादा हो रहा है, बैठ जाएगा वो, स्प्रिंग वास्ते ना, हेलो स्प्रिंग वास्ते ना पड़ेगा, हाँ हाँ ओके, स्प्रिंग की वजह से वो बढ़ जाएगा ऐसा बोल रहे, ठीक है चलो। कितना है इसका, 500। ओके, यहाँ पर ऐसे शॉप है कंप्यूटर के, यहाँ से कंप्यूटर है ना, एक बार मैं मुझे भी है ना कंप्यूटर लेने का, तो सोच रहा हूँ यहाँ से लूँगा, लेकिन टाइम है अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद लूँगा ज़रूर। सो अब ये रिमोट का बहुत लफड़ा है यार, कहाँ पर मिलता है क्या मालूम, देखते, और आगे आगे सब बोल रहे आगे जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर भी है, इसमें का रिमोट है, ये रिमोट है ना, ये रिमोट मिलना मुश्किल नहीं, ना मुमकिन ही है, क्योंकि इसके लिए जो इन्वर्टर आता है वो मिलेगा, लेकिन वो
मतलब चालू से एसी होगी नहीं होगी वो कंफर्म नहीं है, और यहाँ से लेके जाओगे ना तो फिर रिटर्न भी नहीं लेंगे, चार दिन के अंदर रिटर्न लेंगे नहीं तो लेंगे नहीं। एसी का रिमोट चाहिए? हाँ एसी का रिमोट है आपके पास? मिल जाएगा ना, 350 का आएगा। लाओ लाओ, सेम चाहिए। अभी भाई के पास देखता हूँ, इसने बोला है 300 रुपये का है, 300 है 350 कुछ बोला ना, चलो देखता हूँ। फिर भी ये कंपनी का नहीं मिल रहा है, ये कंपनी का मतलब ये ना यूनिवर्सल है, ये सब एसी को चलेगा ऐसा बोल रहा है वो, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करो। अगर नहीं चलेगा तो ऑफिस लेगा क्या? ईद के बाद होगा भाई, सो ठीक है। तो फाइनली बहुत जगह पर देखा रिमोट, लेकिन रिमोट नहीं मिलता है, बैटरी थी वो बैटरी मिल गई। सो क्या करने का भी देखता हूँ, महाड़ में से लूँगा, क्योंकि महाड़ से इन्वेस्टर लूँगा ना नहीं लगेगा तो रिटर्न वहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ से लेके जाऊँगा तो ये लोग रिटर्न चार दिन के अंदर रिटर्न लेंगे, लेकिन चार दिन के अंदर तो मैं आने वाला नहीं हूँ, इसलिए कैंसिल करता हूँ रिमोट, बस बैटरी लिया, बैटरी लेके मैं चला जाता हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहेगा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम। ये चर्च गेट स्टेशन है, बिल्कुल नज़दीक ही है गेटवे ऑफ इंडिया से।